छत्तीसगढ़ में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का आदेश उनके ही विभाग के अधिकारी नहीं मान रहे हैं। मामला विभाग में प्रताप चंद पारख की गलत तरीके से सविलियन और पदोन्नति का है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद संस्कृति मंत्री तक शिकायत पहुंची तो मंत्री ने पारख की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उसे उनका मूल विभाग वन विभाग में भेजने का आदेश किया, लेकिन आदेश के 4 माह पूरे हो जाने के बाद अब तक इस पर अमल नहीं हो सका। मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की सुरा संवाददाता सत्या राजपूत ने। संस्कृति विभाग के संग्रह अध्यक्ष पीसी पारख के गलत संविलियन और पदोन्नति को लेकर मंत्री ने आदेश जारी किया था कि उन्हें उनके विभाग वन विभाग भेजा जाए, लेकिन अब तक 4 माह होने के बाद भी ये कार्रवाई पे पालन नहीं हुआ, इस आदेश का पालन नहीं हुआ है। मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मंत्री जी, आप बयान दिए थे कि जिस स्पीड से वो इस विभाग में आया था उसी स्पीड से उनको वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। प्रशासनिक काम है और कई बार कई कारणों से रुक जाता है या विलंब हो जाता है, उसमें उसके पीछे कई कारण रहते हैं। अभी इतने बड़े बड़े आयोजन विभाग में हुए, पोरा से लेकर के और तीजा से लेकर के नामाखानी से लेकर के और विश्व आदिवासी दिवस से लेकर के, अब इतने सारे आयोजन हो गए, राज्य स्थापना दिवस और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, ये सब आयोजन में जो पुराने हेड्स को अचानक में छोड़ना किसी के लिए भी विभाग प्रमुख के लिए दिक्कत रहता है, लेकिन जो कार्रवाई के लिए लोगों ने मांग किया था, सब किया था, उसको हमने अनुमोदन दे दिया है, उसमें जल्दी आगे कार्रवाई होगा। तो आपके सारे काम लगभग खत्म हो गए, आदिवासी महोत्सव ने सर बहुत सफर रहा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा हुई, तो सर अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इस मसले पे? अभी तो युवा उत्सव में अभी फिर हमारा भूमिका रहेगा, इसके बाद फिर राजिम में जो पुन्नी मेला है उसमें रहेगा, अभी ये जो छेरछेरा है उसमें रहेगा, तो हर सांस्कृतिक आयोजन में संस्कृति विभाग का तो भूमिका रहेगा। तो अभी आपने मंत्री को सुना जिन्होंने आश्वासन दिया है कि लेट हुआ है, सरकारी कामकाज है, लेकिन आगे चलकर इस पर फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस।